हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर 2-3 सेकंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। सो चलिए देखते हैं। एक रिक्वायरमेंट है इसकी कि आपको 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का स्क्वायर याद होना चाहिए और फिर आप 10 से लेकर 100 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर विदाउट मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 36। हम 36 का स्क्वायर निकालेंगे। करना क्या है स्टूडेंट्स इसके अंदर, सबसे पहले आपको 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ पर हम करेंगे दूसरे नंबर का स्क्वायर और यहाँ लिख लेते हैं 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36। अब हमें क्या करना है, इन तीन नंबर को देखिए, ये 3, 6 और 2, आपको मल्टीप्लाई करना है 3 × 6 × 2, तो ये हमें देगा 18 × 2 मतलब की 36। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 36। 36 को हम इसके बीच में लिख देंगे और हम लिखना चालू करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन। 36 × 36 कितना होता है अब हमें पता चल जाएगा। देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले आप लास्ट डिजिट को ऐसे का ऐसे उतार दीजिए तो आ जाएगा हमारे पास 6। फिर ये जो 3 है ये चला जाएगा कैरी नेक्स्ट नंबर के ऊपर, नेक्स्ट नंबर पे कैरी चला जाएगा, तो यहाँ पर पहले से 6 था और ये 3 मिलकर बन गए 9। और फिर उतारेंगे हम नेक्स्ट नंबर को एज ए कैरी और नेक्स्ट नंबर, जैसे हमने पिछले किया था, तो ये 3 और 9 मिलके बन जाएंगे 12। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 36 का जो स्क्वायर आता है वो 1296 होता है। चलिए एक और ऑप्शन देख लेते हैं हम इसके लिए। हम दूसरा नंबर लेते हैं 25। 25 का स्क्वायर तो आप सभी को पता ही होगा कि 625 होता है। तो चलिए देखते हैं इस तरीके से हम इसको निकाल पाते हैं कि नहीं। तो 2 का हमने लिया स्क्वायर ये हो गया 4, 5 का स्क्वायर लिया ये हो गया 25 और मल्टीप्लाई कर दिया 2 × 5 × 2, तो ये हमें देगा 20। तो यहाँ हमने 20 लिख दिया और अब हम नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे जो स्क्वायर नंबर होगा। पहले हमने 5 उतार लिया और ये 2 चला गया कैरी जो कि इसके ऊपर आएगा और ये हो गया 0 + 2, 2 और ये जो 2 है ये कैरी चला जाएगा 4 के ऊपर और ये 4 + 2 मिलके बन जाएगा 6। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया स्क्वायर को। और ये शॉर्ट ट्रिक मेथड आप यूज कर सकते हैं एग्जाम के अंदर जब आपको बड़े बड़े नंबर्स फॉर एग्जाम्पल 47, 86 या फिर 68 ऐसे नंबरों का स्क्वायर निकालने को दिया जाता है और आप मल्टीप्लिकेशन करने लग जाते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है, तो उस जगह पर आपके लिए ये एक तरीके से पैनिका साबित होगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। शॉर्ट ट्रिक्स के लिए देखते रहिए बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सो गुड बाय एंड गुड लक। सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए इसे और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी को। सो गुड बाय।